नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज का दिन भी बहुत खास है। आज का दिन बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है। तो सबसे पहले तो इस पावन दिन की मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं मंगल कामना करता हूं कि माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि और तेज की देवी होती हैं और सीखने और सिखाने वाले, या मैं कहूँ शिक्षा, गुरु और शिष्य, उन सभी के लिए यह दिन बहुत खास होता है। दोस्तों, मैं इन सभी चीज़ों में बहुत विश्वास करता हूँ, इसलिए बहुत ही विश्वास के साथ ये वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर हम संगीत की बात करें तो आप जानते हैं कि संगीत में अगर माँ सरस्वती की कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए संगीत में माँ सरस्वती की कृपा का होना अनिवार्य है। तो अगर आपके घर में बहुत बड़ी पूजा हो रही है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं हो रही है तो एक छोटी सी विधि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस चीज को आप फॉलो करें। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ सरस्वती आपकी इस छोटी सी भेंट को जरूर स्वीकार करेगी और आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप नजर मारें कि आपके घर में जहाँ पूजा होती है वहां पर क्या माँ सरस्वती का कोई फोटो, तस्वीर या मूर्ति है। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको मार्केट जाना है। एक 10 रुपए का पोस्टर, मैं देखिए प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे, कोई बहुत ज्यादा कर्मकांड करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। 10 रुपए का पोस्टर आप लेके आइए और उस पोस्टर को लेके आकर के अपने घर का जहां पर पूजा होती है वहां पर स्थापित करिए। अब स्थापित करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप जब मार्केट जाएं तो मार्केट से पीले रंग के पुष्प लेके आए और हो सके तो पीले रंग की मिठाई लेके आए और थोड़ा रोली मोली चावल और हो सके तो एक नारियल आप लेके आ जाएं। और बस अपना नित्य कर्म करने के बाद में, नहाने धोने के बाद में, आप कोशिश करें कि अगर आपके पास में पीले रंग के वस्त्र हैं तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती को पीले रंग से बहुत प्रेम है। तो आप नित्य कर्म करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र धारण करने के बाद में माँ सरस्वती की स्थापना करने के लिए कुछ खास आपको नहीं करना है, सिर्फ एक लोटा लेना है, एक मतलब कि बर्तन जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और माँ सरस्वती के आगे बैठ जाना है और माँ सरस्वती के आगे धूप बत्ती, अगरबत्ती और एक घी का दीपक जला देना है, नारियल उनको भेंट करना है, चंदन या रोली मोली और अक्षत का आपको तिलक लगाना है और जो आपने मार्केट से मिठाई लेके आए हैं पीले रंग की वो माँ को भोग स्वरूप चढ़ानी है और बाद में उसका प्रसाद बांट देना है। यह काम आपको करना है और उसके बाद में आप माँ सरस्वती को नमन करें। साथ ही एक काम और करना है आपको कि आपके पास जो भी संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र हैं, हारमोनियम है, कैसियो यानी पियानो, ढोलक, तबला, जो भी कोई संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र हैं उसको भी आप रोली मोली से तिलक करें। और इसका कोई ऐसा मुहूर्त नहीं है कि आपको इस समय करना है, कोशिश करें कि यह कार्यक्रम 10 बजे से पहले पहले हो जाए तो अच्छा है। और यह कार्य करने के बाद में और एक खास कार्यक्रम और आपका रहेगा, आप जिस किसी को भी गुरु मानते हैं उसको मन में ध्यान करें, अगर आप उनसे मिल सकें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल सकते हैं तो उनका भी पूजन करें। जब माँ सरस्वती के आगे बैठें तब उनको भी ध्यान करें, उनका भी पूजन करें और अगर आप उनसे प्रैक्टिकल मिल सकें तो बहुत अच्छी बात है। और बस गुरु जी का आशीर्वाद लें और यथाशक्ति अनुसार आप उनको गुरु दक्षिणा भेंट करें। और बहुत अनिवार्य है अगर आप एक काम और कर सकें,
कि आपके पास पड़ोस के अंदर कोई भी छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको एक दो दो रुपए की एक एक पेंसिल लें, और उन बच्चों को आप ज़्यादा दे सकें उनको नोटबुक दें, किताबें दें तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक एक पेंसिल और एक एक इरेजर अगर आप उनको दें, तो कहते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो भी वस्तुएं अगर आप पढ़ने वाले बच्चों को अगर दान करते हैं तो माँ सरस्वती आपके ऊपर ज़रूर मेहरबान होती हैं। बस ये काम कर लें, और आप ये समझ लो कि ये छोटी सी विधि अगर आप करते हैं तो माँ सरस्वती, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पर जरूर मेहरबान होगी, जरूर आपसे प्रसन्न होंगी, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी शिक्षा से संबंधित मैं बात करता हूँ संगीत की, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर आपको जरूर सफलता मिलेगी। बस वापस से मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पुनः मेरी तरफ से आज के इस पावन दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने इस सुर संगम और सुर संगम परिवार को अगर शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और भी कोई सवाल या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।